जब भी किसी बच्चे के साथ कोई रैगिंग होती है तो बच्चे काफी डर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? रैगिंग रिलेटेड क्या क्या लो है, क्या क्या वो करना चाहिए? रैगिंग स्कूल में भी हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन में भी हो सकती है, तो उसका कोई प्लेस नहीं होता कि वो कहाँ पर होगी कहाँ पर नहीं होगी, तो वो कहीं पर भी हो सकती है। जब भी कोई ताकतवर इंसान हमारे सामने होता है कि जिससे ज़्यादा नेटवर्क हो और हमारा नेटवर्क कम हो, चाहे हमारे वो क्लासमेट हो, चाहे हमसे बड़े हों उम्र में या हमसे एक क्लास ऊपर हो, जो भी हमसे ज़्यादा ताकतवर होता है, कभी वो सोचता है कि जो वीक हैं, जिनका हम हैं, जिनके कम फ्रेंड हैं या जिनके पास कम ताकत है, भाई वो उनको बिगाड़ नहीं सकते, तो वो उनकी रैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आप तुरंत ही एक अपनी जो बाय पोस्ट भिजवाइएगा कंप्लेन, वहाँ के जो भी डायरेक्टर या प्रिंसिपल हैं उनको बाय पोस्ट इसलिए भिजवाइएगा बजाय कि उसको लिख के दे के आइएगा, क्योंकि वो कहीं बोल देते कि हमारे पास ऐसे कोई कंप्लेन नहीं आई। लेकिन यदि आपने उनको मेल किया होगा या बाय पोस्ट कंप्लेन भेजी होगी तो आपके पास एक वो रहेगा प्रूफ। यदि वो 15 दिन में एक्शन नहीं लेते तो वो भी कहीं ना कहीं लाइबल होते हैं इस क्राइम में, उनकी मिली भगत मानी जाएगी, तो उसके लिए वो भी पनिशमेंट भोगेंगे। अब फिर क्या आपको कंप्लेन करनी है? पुलिस वालों को भी अगर यदि आप बाय मतलब जब कंप्लेन करके आते हो तो रिसीविंग जरूर ले, यदि आपको लगता है कि रिसीविंग नहीं देते तो आप बाय पोस्ट भी SHO को भेज सकते हैं कंप्लेन, और उसके 15 दिन बाद SSP को। और यदि आपको कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, तो आप तुरंत ही लीगल एड की हेल्प भी ले सकते हैं। लीगल एड भी आप हेल्प ले सकते हैं या हमारी हेल्प लेना चाहें ले सकते हैं। तो आप जब SSP की आपकी हेल्प नहीं, तो आप अपनी कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक ऑफेंस है रैगिंग जैसा वो हो रहा है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होंगे? आपके पास कोई ऑडियो प्रूफ होना चाहिए, वीडियो प्रूफ होना चाहिए। ऑडियो वीडियो प्रूफ कैसे बन सकते हैं? आजकल स्पाई कैमरा, स्पाई वॉइस रिकॉर्डर जो कि 800-900 तक के आ जाते हैं अमेजोन वगैरह से भी, तो आप उसके थ्रू रिकॉर्ड करके सारा कुछ स्पाई कैमरा से सारा रिकॉर्ड करके अपना जो एविडेंस है उनको संभाल के रखेगा, और जिसकी दूसरी कॉपी के रूप में जो कि 10 रुपये की CD मिल जाती है उसमें रिकॉर्ड करके आप पुलिस वालों को दे सकते हैं। ये जब ये SSP के पास जाए वो उसके पास कंप्लेन तो उसको भी दे सकते हैं ये, और आप अपनी जो वो कंप्लेन है उसमें भी सबमिट कर सकते हैं, क्या कहते हैं अपने कोर्ट में भी। यदि आपको पुलिस वाले से डर है, आप उनको अपना एविडेंस नहीं दिखाना चाहते, सोच रहे हो कि देखा जाएगा जो यहाँ पे होगा, बिना एक्शन तो लेना नहीं है, कभी और मैं फंस जाऊँ, तो एक कंप्लेन सिंपल करके छोड़ दीजिए SHO और SSP को, ठीक है। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो एक आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी वहाँ से, और प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको जो हो रहा है उसमें आपको जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए, हैरेसमेंट क्लेम मिलना चाहिए, और आपका करियर खराब ना हो, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। मेनली कहा जाता है कि UGC को कंप्लेन करे, कभी कभी तो UGC इन बातों में एक्शन ले लेती है, उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है या उनका मेल है, और कभी कभी नहीं भी एक्शन लेती, ठीक है। तो आप पुलिस को तो कर ही सकते हैं, लीगल एड की हेल्प तो ले ही सकते हैं, इवन हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपके साथ कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो किसी भी जगह रैगिंग जैसी, तो उसमें भी आपको जो लीगल एडवाइस चाहिए या लीगल हेल्प चाहिए या कोई अदर हेल्प चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, ई मेल ID सब कुछ मिल जाएगा। तो इतनी हेल्प के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर तो बनता ही है, और यदि आपको कुछ कमेंट नहीं करना तो कम से कम थम्सअप ही कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ।